ओ बहन क्या कर रहा चलिए देखिए जैसे ही इस बात की सूचना प्राप्त हुई कि रघुनाथपुर में ट्रेन डिलेल हो गई है पूरा जिला प्रशासन एकदम अलर्ट है और हम लोग सभी यहाँ से भोजपुर ज़िले से 15 एम्बुलेंस 4-5 बसेस और हमारे SDM खुद लेके गए हैं SDRF पूरी टीम को वहाँ रवाना कर दिया गया मेड तरीके से साथ ही साथ हम वहाँ से जो भी लोग पैसेंजर आएंगे उनके लिए हम स्टेशन पे हमारे 3 एम्बुलेंस खड़े हैं और हमारे सभी जो अनुमंडलीय अस्पताल हैं और आप देख रहे हैं सदर अस्पताल में भी सारी व्यवस्था कर ली गई है। ब्लड बैंक को भी खोल दिया गया रात में, सारे डॉक्टर्स जो जिनके ड्यूटी नहीं भी थी उनको भी बुला लिया गया है ड्यूटी पे ताकि किसी तरह जो भी घायल यात्री आते हैं उनको कठिनाई का सामना न कर पाए। हमारे ADM, हमारे जो सिविल सर्जन, हमारे SDM, हमारे जो DS हैं और सभी डॉक्टर्स यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग किसी भी तरह के स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं और जो भी हर संभव मदद होगी अविलंब किया जाएगा। कितना की संख्या में डॉक्टर यहाँ पर उपस्थित? देखिए यहाँ पे जितने भी डॉक्टर हैं उन सबको बुलाया जा रहा है। जितने डॉक्टर यहाँ पास में थे उस जिनकी ड्यूटी थी वो तो हैं ही, उसके अलावा भी जो आरा शहर में थे उनको बुला लिया गया। इवन जो ड्यूटी में नहीं थे और पटना थे उनको भी वापस बुलाया जा रहा है कि भाई आप आइए, इमरजेंसी है और इसमें वो लोग वापस आ रहे हैं। सब लोग हम लोग मिल के उनको सेवा करेंगे और उसके लिए पूरा तरह जिला प्रशासन तैयार है। सर कोई कैजुअलिटी की सूचना मिला है? देखिए कैजुअलिटी के बारे में भी कोई प्राइमरी सूचना नहीं है, इसके बारे में बेहतर ढंग से जो बक्सर DM साहब हैं वो बता पाएंगे। यहाँ पे हम लोग उनके जो कोई भी उपचार के लिए तैयारी कर रहे हैं ताकि कोई भी अगर उस तरह के घायल मरीज आते हैं या पैसेंजर आते हैं उनका हम लोग इलाज करेंगे और उनको बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाएगा। इवन एम्स पटना को भी अलर्ट पर रखा गया है कि कोई अगर उस तरह की विशेष परिस्थिति होती है पटना रेफर करने की तो एम्स पटना में रेफर किया जाएगा। मम्मी कहा आ गई चला हम देखो औरत नर्वस हो गया वो दो जल्दी 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 होता है।